बात है कि आज हमारे देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है और पत्रकार जो है वो यहाँ का संदेश वहाँ करते हैं, वहाँ का संदेश, ये दिन रात मेहनत करते हैं और आज उनका जो हत्या हुआ है, हम लोग बहुत मतलब काफ़ी दुखी है देश के लोग के, जिस देश में मीडिया सुरक्षित नहीं है उस देश का क्या होगा। और ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनसे हम आग्रह करते हैं कि जो मीडिया कर्मी का जो काफ़ी ये लोग दुखी है इसलिए कि ना इनको 4,000-5,000 रुपया मिलता है और उसमें भी दिन रात मेहनत करते हैं, सरकार का रुझान इनके तरफ से है ही नहीं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो मीडिया कर्मी को सरकार अपने अधीन में ले और उनको सही तनख्वाह दे, चूँकि जो इतना ही लोग खर्चते हैं काम करते हैं उसका 1% भी लोग को नहीं मिलता। आज उनका जान माल का 4,000-5,000 के लिए ये लोग अपने जान को अपने दांव पर लगाकर काज कर मतलब जहाँ का मीडिया शूट करते हैं। तो मैं उनको सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहा हूँ कि मीडिया कर्मी को सुरक्षा प्रदान किया जाए। आज के देश में जब मीडिया ही सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा। परिवर्तनकारी जनसंघर्ष मत मोहम्मद नसीर।